वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट 10, ठीक है। साइंस की वर्कशीट है फोर क्लास नाइन्थ एंड विच इज शेड्यूल्ड फॉर 27 जुलाई 2020। ओके, काफ़ी इजी वर्कशीट है ये, और आप इस वर्कशीट के बारे में बहुत पढ़ भी चुके हो, यानी अब ये एक तरह से आपकी रिवीजन है। आपने जो चैप्टर सेकंड पढ़ा है और कुछ टॉपिक आपने चैप्टर फर्स्ट के भी पढ़े हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना, तो आप खुद भी सोचिए आप पदार्थ के बारे में कितना जानते हो, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। दीदी हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, तो बच्चों ज्ञान ने तो काफी कुछ सीख लिया है यहाँ से। अब आप देखिए, सोचिए, समझिए कि आपने कितना सीखा। पदार्थ क्या है? पदार्थ ज्ञान आपको बता रहा है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कण, कण यानी जो ठोस पदार्थ हैं उसके अंदर कण जो है वो पास पास होंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होंगे। इनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है, यानी ये कणों के गुण हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कण जो हैं उनके बीच में क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान होता है। वो जो ठोस, द्रव, गैस वो आपने पढ़ा है, वो आप इजीली कर सकते हो। ठोस में जो रिक्त स्थान है वो कम होगा, द्रव में थोड़ा ज्यादा होगा और गैस में उससे ज्यादा होगा। अब जो ये कण हैं ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अगर कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो सारी चीजें जो है वो बिखरी हुई होती, ठीक है ना, कोई भी चीज ऐसे बाउंड अप नहीं होती जो अब आपको दिखाई देती है। सो कणों जो है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस के कण ज्यादा आकर्षित करते हैं, द्रव के उसे थोड़ा कम आकर्षित करते हैं, गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण जो है वो लगातार अब जो है वो गति करते रहते हैं। अब देखिए जो कण है उनसे मिलकर क्या बना, उनसे मिलकर बनता है बच्चों पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, आप चारों तरफ अगर नजर घुमाओगे तो आपको जो भी दिखेगा वो सब कुछ पदार्थ है, यानी पदार्थ वो होता है जिसका एक द्रव्यमान हो, ठीक है ना। द्रव्यमान जैसे कि आप कुर्सी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस पेन से हम लिख रहे हैं आप उस पेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, टेबल है, चेयर है, बुक है, इसके अलावा जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, हवा है, पानी, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ पदार्थ होते हैं। और क्या पदार्थ का गुण, पदार्थ जो है वो एक स्थान भी घेरेगा। आप बच्चों जिसका एक द्रव्यमान होगा, कुर्सी को जहां रखोगे वो जगह तो घेरेगी, तो यानी उसका एक जो है आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है ना। उसका एक पर्टिकुलर अगर द्रव्यमान है तो आयतन भी होगा, तो ये जो है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस, द्रव और ठोस अवस्था। अब अगर हम ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं, हम साथ साथ एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, जल, ठीक है ना, द्रव ये का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द्रव में जल का एग्जाम्पल। अगर जल ठोस है तो वो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया बर्फ। अगर जल गैस है तो क्या है वो बन गई भाप, ठीक है ना। अब एक ही पदार्थ वो तीन अवस्थाओं में है हमारे पास, यहीं से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आप द्रव है उसको कम तापमान करके फ्रिज के अंदर जो है, फ्रीजर में उसको जमा देते हो तो वो क्या बन गई, बर्फ। बर्फ यानी ठोस, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रक्रिया क्या है, जमना। ओके, अब ठोस को दोबारा जो है द्रव बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तापमान बढ़ा के गलाना पड़ेगा, यानी संगलन, ठीक, जिसको हम जो है क्या कह सकते हो आप, मेल्ट करना। मेल्ट करना आपके लिए इजी है याद करना, मेल्टिंग। ओके, मेल्ट करना, पिघलाना, तो यानी किसी ठोस को पिघला के उसको किस में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। अब चलिए, अब द्रव को गैस में बदलना है, सिंपल सी बात है। आप अगर जल को आपको गैस में बदलना होगा तो उसको उबालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी उसको भाप बनाना है, तो वो क्या है, वो कहलाता है उबलना, या वाष्पीकरण के थ्रू जो है वो गैस में बदला जा सकता है, ठीक है। वाष्पीकरण में उबालना नहीं पड़ता, आप जो है वो जो हमारा पर्यावरण का तापमान है उसी पर पानी भाप बन के उड़ जाता है,
आपने भी देखा है, पानी अगर आपसे गिर गया है तो अगर आपके आंगन में पानी गिरा होता है तो आप उसको जो है उबालने नहीं जाते, उसको भाप बनाने के लिए, वो अपने आप उड़ जाएगा। यानी वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वाष्पीकरण के द्वारा द्रव गैस में बदला जा सकता है। अब अगर गैस से वापस द्रव में आना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, संघनन प्रक्रिया हम इसको कहते हैं, जिससे बादल बनते हैं, ठीक है ना। अब अगर गैस से सीधा ठोस में और ठोस से सीधा गैस में जाना हो, यानी बीच की द्रव की कंडीशन ही नहीं आए, तो उसके लिए क्या है प्रोसेस, उसके लिए प्रोसेस है हमारा ऊर्ध्वपातन प्रोसेस। इसको हम क्या प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने कपूर देखा है, घर में जो कपड़े हैं उनमें कपड़े रखते हैं तो उसमें हम कपूर डालते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सीधी ठोस होती हैं और ठोस से सीधा गैस में बदल जाती हैं। अगर द्रव में बदलती है तो वो जो है कपड़ों को खराब भी कर सकती थी, सो इसीलिए ठोस से सीधा गैस में, और यही प्रोसेस क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस में बदला जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो क्या होगा, सोचिए आप जल है, जल का तापमान आपने बढ़ाया तो वो किस में बदल गया, वो बदल गया भाप में, ठीक है। तो यानी तापमान बढ़ने से, तापमान कम होगा तो ठोस की तरफ आएगा, यानी बर्फ जो जल है उसका तापमान कम करोगे तो ठोस की तरफ बर्फ बन जाएगा, अगर बढ़ाओगे तो भाप जो है बन जाएगा, ठीक। यानी आप किसी भी गैस को अगर आपको द्रव में या ठोस में बदलना है तो आप क्या करोगे, आप तापमान को कम करोगे और दाब को बढ़ाओगे। आपको पता है घर में जो आपके एलपीजी के सिलेंडर हैं उनके अंदर जो गैस भरी है वो द्रव की फॉर्म में होती है, क्योंकि वो जो गैस भरी जाती है वो बहुत ज़्यादा दबाव देकर भरी जाती है, और जैसे ही वो एलपीजी सिलेंडर से गैस पाइप में आती है बर्न होने के लिए, उसका दाब कम हो जाता है, वो नॉर्मल जो हमारा पर्यावरण का दाब है उस पर आ जाती है, जिसके कारण वो दोबारा गैस में बदल जाती है, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान अपने आप बढ़ जाता है। सो आई होप आपको ये प्रोसेस जो है ये क्लियर हो गया है। सो अब यहाँ से पढ़ते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पदार्थ को हम जो है एक तरह से दो प्रकार, इसमें हम कह सकते हैं दो प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरे अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ यानी उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व पढ़ा था और यौगिक पढ़ा था। तत्व क्या है, जिनको भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग, जैसे लोहा है, लोहे में सारे कण किसके होंगे, FeFe के होंगे, इसीलिए ये पदार्थ कैसा है, ये शुद्ध पदार्थ होगा। और इसको हम अगर विभाजित करते हैं भौतिक विधि से तो सारा ये लोहा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसको और छोटा करोगे तो कुछ और बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक क्रिया करके जो है रासायनिक क्रिया कर लेते हैं, और एक निश्चित अनुपात होता है, यहाँ पर याद रखिएगा यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे पानी, तो पानी जो है H2 प्लस O2 रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, पानी बनेगा, और पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा, ये हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं कराएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी सम यानी जो भी घटक हैं वो समान रूप से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो इसीलिए उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। अब विषमांगी, विषम का मतलब क्या है, समान रूप से नहीं घुले हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। इसमें जो घटक है उनको पहचान नहीं सकते, इसमें घटक है उनको जो है हम पहचान सकते हैं, ठीक है, और उनको अलग भी किया जा सकता है। समांगी मिश्रण अलग इसमें भी किया जा सकता है, कुछ विधियां होती हैं हमारी पृथक्करण की विधियां, उसमें से हम समांगी मिश्रण में से भी जो घटक है उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, समांगी मिश्रण में क्या है हमारे पास, विलयन। फर्स्ट इसमें जो टाइप होगी वो हम पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण की टाइप जो क्या है, विलयन। यानी जितने भी समांगी मिश्रण हैं उनको हम विलयन कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नमक पानी, ठीक है, नमक और पानी का विलयन। हवा है, वो भी एक समांगी मिश्रण है। इसमें जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का, निलंबन और कोलाइड्स। नेक्स्ट इज निलंबन। निलंबन में जो कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, और कोलाइड्स में जो रेंज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है।
उदाहरण आप ले सकते हो बच्चों, मिट्टी और पानी किसका उदाहरण होगा, निलंबन का, और दूध और पानी किसका उदाहरण होगा, दूध और पानी कोलाइड्स का उदाहरण होगा। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। काफी इजी वर्कशीट है। एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखे जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है, जल। विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है, तो देखिए विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होगा, आप इजीली दोनों के बीच में अंतर कर सकते हो। विलयन एक समांगी मिश्रण है, निलंबन अविषमांगी है। विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से नीचे, तो निलंबन में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, आप उदाहरण भी दे सकते हो। इसके अंदर टिंडल प्रभाव जो है नहीं होता, ये टिंडल प्रभाव दिखा सकता है। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सारे लिख सकते हो, इसमें जो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे। नेक्स्ट, यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करके निश्चित अनुपात में होते हैं तो वो यौगिक बनते हैं। दो यौगिकों के नाम पानी, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, यौगिक हैं। मिश्रण क्या होता है बच्चों, मिश्रण यानी जब दो या दो से अधिक जो हमारे पास तत्व हैं या यौगिक हैं उनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो वो क्या बनते हैं, वो यौगिक, वो मिश्रण बनते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है, तो देखिए नमक और जल मिलाने से कैसा मिश्रण तैयार होगा, विलयन तैयार होगा। मिट्टी और जल से निलंबन, दूध और जल से कोलाइड्स। सो आई होप आपको वर्कशीट जो है वो क्लियर है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।